नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, बिहार के लोगों को अब अपने आंख के इलाज के लिए कहीं दूसरे जगह अब नहीं जाना पड़ेगा। जी हां, आपको बता दें कि जो लोग अपने आंख का इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए आपको बता दें तो बिहार में जो है वो आँख के लिए सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो खुलने वाला है। ये अस्पताल पटना के IGMS में खुलेगा। और बता दें कि इसमें आँख से जो रिलेटेड स्पेशलिटी है वो तमाम चीज़ों की जो सुविधा है वो दी जाएगी। और ये अस्पताल जो है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत बनाई जा रही है। बता दें आपको कि आंख विभाग को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। और ये पटना के IGIMS में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रोजेक्ट जो है वो साल 2012 में ही दिया गया था। और उम्मीद है कि आने वाले 5 से 6 महीने में ये अस्पताल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें आपको कि आँख के मरीजों के लिए यहाँ बिहार का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो बनेगा। और इसमें एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक मशीनें जो हैं वो लगाई जाएंगी। सभी डिपार्टमेंट जैसे कॉर्निया, रिफ्रेक्टिव रेटिना, उविया ग्लैकियोकोमा पैड, ऑप्थाल्मोलॉजी, न्यूरो ऑक्यूप्लास्टी और स्क्विंट जैसे सभी मशीनें जो हैं वो लगाए जाएंगे। पूरे अस्पताल में सभी तरह के इलाज के लिए लगभग 32 सुपर स्पेशलिटी एवं स्पेशलिटी डॉक्टर भी होंगे। इनके साथ ही इस अस्पताल में कुल 175 बेड होंगे। इस भवन में 7 ऑपरेशन थिएटर भी होंगे और जिसमें कि इमरजेंसी सेवा जो है वो 24 घंटे तक उपलब्ध रहेंगी। साफ तौर से यह भी आपको बता दें कि इस अस्पताल को बनाने में कुल 162 करोड़ की लागत जो है वो लगी है, जिसमें कि केंद्र सरकार की तरफ से 60% और वहीं राज्य सरकार की तरफ से 40% योगदान जो है वो दिया गया है। साफ तौर पर यह भी बता दें कि डायलिसिस यूनिट अपग्रेड होगी और कार्डियक इमरजेंसी में सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। और यह जो अस्पताल है वो दिल्ली एम्स के स्पेशलिटी के तर्ज पर बनाए जाएंगे और सारे आँख के विभाग पैच। और इस अस्पताल में करीब 17,000 वर्ग फीट को में बनाया जाएगा। साथ ही यह 4 मंजिला भवन होगा, जिसमें कि यह फायदा होगा कि आँख से संबंधित जितने भी सुपर स्पेशलिटी होंगे वो एक ही छत के नीचे काम करेंगे और इस अस्पताल का एक अलग ही लुक होगा। साथ ही चारों तरफ एक ही तरह जो है वो दिखाई देंगे। और इस अस्पताल के बन जाने से बिहार के जितने भी नेत्र रोगियाँ होंगे वो इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से 162 करोड़ की लागत से अस्पताल जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। और पटना के IGIMS में यह अस्पताल बिहार का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल जो है वो बनेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। धन्यवाद।